नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, जिसे कि PMJDY अकाउंट भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में जनधन अकाउंट भी बोला जाता है। इस अकाउंट को आप किस तरीका से ओपन करा सकते हैं, इसके अलावा इस अकाउंट का ओपन कराने का प्रोसेस क्या है, साथ ही यदि आप इस अकाउंट को ओपन कराते हैं यानी कि जनधन योजना अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। केंद्र सरकार अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को PMJDY अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट को ओपन करवाने का मुख्य कारण था कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ दिया जाए, इसी के तहत जनधन अकाउंट का शुरुआत की गई थी। अब हम यहाँ पर बात करें इस अकाउंट को आप किस तरीका से ओपन करा सकते हैं, इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या प्रोसेस है इसका। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जनधन अकाउंट को आप लोग ऑनलाइन ओपन नहीं करा सकते हैं। जनधन अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर के आप ओपन करा सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करके जमा करना है जिस भी बैंक में आप जनधन अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। जनधन अकाउंट को तभी आप ओपन करा सकते हैं जब आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। अब हम बात करें इस अकाउंट को ओपन कराने से क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा है, जनधन अकाउंट खुलवाने पर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जबकि आप नॉर्मल से भी अकाउंट ओपन कराएंगे तो फिर आपको मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट ओपन होता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, लेकिन जनधन अकाउंट ओपन कराने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जनधन अकाउंट ओपन करवाने पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अकाउंट में से सारा पैसा निकाल लेते हैं फिर भी आपको अकाउंट चालू रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो फिर आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हर एक बैंक का अलग अलग होता है। किसी बैंक का 5,000 है तो किसी बैंक का 10,000 रुपए भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तीसरा फायदा यह है कि जनधन अकाउंट ओपन कराने पर आप जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में रहता है उस पर ब्याज भी दिया जाता है। चौथा फायदा यह है कि जनधन अकाउंट के तहत आप खाता खुलवाते हैं फिर आपको यहाँ पर रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाता है। आप रुपए डेबिट कार्ड से ही आप कोई भी एटीएम मशीन के द्वारा एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप POS के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी आप रुपए के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत यानी कि जनधन अकाउंट खुलवाने पर मिलने वाले रुपए कार्ड पर पहले 1,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलता था, लेकिन 2018 ईस्वी के बाद इस अकाउंट को यदि आप ओपन कराए हैं या अभी आप ओपन करवाते हैं फिर आपको यहाँ पर रुपए कार्ड पर 2,00,000 रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर जो फायदा आपको मिलता है, जनधन अकाउंट खुलवाने पर आपको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। वहीं 2,000 रुपए की फैसिलिटी जो ओवरड्राफ्ट की मिलती है उस पर किसी तरह का कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है। इसके अलावा जनधन अकाउंट ओपन करवाने पर आपको जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा स्कीम के बेनिफिट सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये मिलता है कि यदि आप जनधन अकाउंट खुलवाते हैं तो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले DBT का फायदा यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मिलता है, जैसे कि सब्सिडी का पैसा हो या फिर और जितने भी भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पैसा है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आपको हम यहाँ पर बता दें कि आप जनधन अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो आप अपना अंगूठा लगाएं जरूर। यदि आपका अंगूठा नहीं लगाया जाता है तो बैंक के कर्मचारी को बोल करके आप अंगूठा जरूर लगवा दें। इससे फायदा ये होगा कि आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से भी कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका DBT का फायदा है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरा पहले से कोई बैंक में अकाउंट है, जैसे कि SBI में अकाउंट है या फिर मेरा PNB में अकाउंट है या फिर किसी दूसरा बैंक में अकाउंट है, तो क्या हम जनधन अकाउंट ओपन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो इसका जवाब है, आप अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। यदि आप जनधन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जो भी आपका पहले से बैंक अकाउंट है आप उसे क्लोज करा दीजिए, उसके बाद ही आप जनधन अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरा जनधन अकाउंट है और जनधन अकाउंट की तरफ से जो हमें ATM कार्ड मिला है वह रुपए का ATM कार्ड मिला है, क्या हम रुपए के ATM कार्ड के अलावा दूसरा ATM कार्ड जैसे की
वीजा का एटीएम कार्ड या फिर मास्टर कार्ड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जनधन अकाउंट की तरफ से जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है वह रुपए का ही एटीएम कार्ड होता है, इसलिए आप लोग दूसरा एटीएम कार्ड यहां पर नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि जो मेरा जनधन का अकाउंट है, इस अकाउंट से हम मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप मोबाइल बैंकिंग, जो भी बैंक का आपका अकाउंट है उसका आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जनधन अकाउंट को आप कहीं भी ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, जैसे कि आप जो भी सिटी में अभी आप रहते हैं और चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट को दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप इसे ब्रांच में जाकर के आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप जनधन अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं। जनधन अकाउंट को जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको ब्रांच में ही जाकर के ही ओपन करा सकते हैं, चाहे जो भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं उस बैंक के ब्रांच में जाकर के आसानी से फॉर्म को फिलअप करके ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होता है, क्या हम जनधन अकाउंट से लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप लोन ले सकते हैं, चाहे आपका जो भी ब्रांच में अकाउंट है, जो भी बैंक में अकाउंट है, आप आसानी से जनधन अकाउंट के माध्यम से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर जनधन अकाउंट के बारे में सारे सवाल का जवाब दे दिया है। यदि आपको लगता है कि कोई सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं मिला है तो आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिए, आपके कॉमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।